ठीक है सर, स्टार्ट करें। तो हाँ सर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे जनरली हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, रीजन बिहाइंड अनसक्सेसफुल ट्रेडर एंड सक्सेसफुल ट्रेडर साइकोलॉजी बिहेवियर, देयर कॉन्सिक्वेंसेस। तो जनरली क्या है सर कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या? ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्चुअली है जो भी हम ट्रेड करते हैं उसके ट्रेड लेने के बाद हमारा जो इमोशन होता है, हमारा जो माइंड स्टेट होता है, वो हमारा आइदर वो फेल्यूर हो या सक्सेस हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली हम लोग का क्या होता है, कोई भी अगर हम ट्रेड लिए हैं तो उस समय हमारी ट्रेड बिहेवियर कैसी है, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, आइदर उस समय हमको फियर डर लग रहा है या लालच हो रहा है या एंग्जाइटी फील कर रहे हैं या सेल्फ डाउट फील कर रहे हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जनरली एक बात कहा गया है कि किसी भी हैबिट को हम लोग को बनाने के लिए 21 दिन लगते हैं और अगर किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए हमको 90 दिन का लगता है। वही चीज है कि अगर आप ट्रेडिंग, आपकी अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अगर आप उस तरीके का बिहेवियर बना हुआ है जो आपको लग रहा है कि मेरे अगेंस्ट है, तो उसको आपको छोड़ने में लगभग 90 दिन लग जाएंगे और एक नई आदत को पकड़ने के लिए आपको 21 दिन लग जाएंगे। और जनरली हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस का रोल लगभग 10% होता है। एनालिसिस इट मीन सर, दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस कुछ इस तरीके का है कि जैसे अगर हम लोग का चार्ट पर, ठीक है सर, तो आज का टॉपिक का डिस्कशन ऑफ टॉपिक है हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पैटर्न देख रहे हैं या कोई फॉलो कर रहे हैं, वो हमारा हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया जिसको हम लोग डाटा को देख के ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि हमारा हो गया AOC। तो जो भी ट्रेड इंट्राडे में ट्रेड लेने के लिए लगभग हमको 10% एनालिसिस का रिक्वायरमेंट है। ट्रेड लेने के बाद हमारा 90% साइकोलॉजी मैटर करता है उस ट्रेड के सक्सेसफुल या फेल्योर होने पर। बहुत सारों के साथ ऐसा हुआ होगा कि अगर कोई ट्रेड लेते हैं और बिना टारगेट लिए ही निकल जाते, तो उसके पीछे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सेकेंड टॉपिक है हमारा व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी को क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों सीख रहे हैं। तो एज पर सेबी डेटा जो भी हमारे इंट्राडे ट्रेडर है लगभग 90% लॉस करते हैं और 90% लॉस करते हैं, यहाँ पे करेक्शन होगा, 10% आपका यहाँ पे प्रॉफिट पे रहते हैं। तो जनरली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अगर आपके साथ हुआ है तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर ये इन 10 या 11 पॉइंट में कोई अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो ये सेशन आपके लिए उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर इमोशंस लाइक आफ्टर एक्सपीरियंस द लॉस इन ट्रेड। इट मींस क्या होता है कि अगर आप कोई ट्रेड लिए हैं और अगर ट्रेड में आपको लॉस हो जाता है तो उस समय आप किस तरीके का इमोशन, उस तरीके किस तरीके का आपका वहां पे सिचुएशन होता है। सेकेंड क्या है, नो मैटर इफर्ट्स इट सीम यू कंसिस्टेंटली फेसेस लॉस। इट मींस क्या है कि अगर आप कुछ भी करते हैं, जैसे कि कहने का मतलब क्या है ना, वट एवर यू डू यू विल एंड अप एट ए लॉस। आप कुछ भी करें, कोई भी ट्रेड ले तो हमेशा आपके साथ अगर लॉस हो रहा हो। तीसरा है, इंप्लीमेंटिंग अ स्टॉप लॉस ऑर्डर और सीकिंग द एडवाइस ऑफ अदर्स स्टिल लीड्स टू लॉसेस इन योर एक्सपीरियंस। कहने का मतलब क्या है कि आप जब भी कभी स्टॉप लॉस लगा रहे हैं या किसी के कहे हुए या किसी के ओपिनियन पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको हमेशा लॉस होता रहे। चौथा क्वेश्चन से, यू डू नॉट डाइजेस्ट प्रॉफिट, अ स्मॉल प्रॉफिट गुड प्रॉफिट। आपके लिए क्या है कि आपको मतलब छोटा प्रॉफिट दिखे और तुरंत उस ट्रेड से निकल जाते हैं, आप प्रॉफिट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यू स्ट्रगल टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई ट्रेंड। इट मींस क्या है कि मार्केट में जिस तरीके का ट्रेंड हो रहा हो, इधर बुलिश ट्रेंड हो या बियरिश ट्रेंड हो, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट है, यू रिलाई ऑन अदर्स एडवाइस टू मेक डिसीजन। इट मींस क्या है कि आप खुद से ट्रेड ना ले रहे हो और किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो हर ट्रेड के लिए। अगर आपको किसी पे अगर कॉल लेना तो पूछ रहे हैं कि यहाँ से कॉल लेना चाहिए कि नहीं, पुट ले रहे हैं तो किसी से पूछ रहे हैं पुट लेना चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट है आपका, यू फील एंग्री सैड हैप्पी एंड चीटेड आफ्टर ट्रेडिंग। इट मींस क्या होता है कि आप अगर कोई ट्रेड ले लिए हो और अगर आपके ट्रेड अगेंस्ट में, या मान लीजिए आपके SL खा के वो ऊपर चला गया, तो उस समय आपका बिहेवियर कैसा है? अगर आप गुस्सा, आपको अगर एंग्री फील हो रहा है तो ये सेशन आपके लिए है। अगर आप उस समय उदास फील कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है। और अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी ट्रेड पे लिया एंट्री लिया और आपके जस्ट 5 या 2 मिनट या 3 मिनट बाद वो आपको अगर टारगेट हिट कर गया, उसे अगर आप हैप्पी फील कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है। और क्या है कि आपको बार बार लगता होगा कि ये अगर कुछ ट्रेड ले रहे हैं और वो मेरा SL बार बार SL खा रहा है, तो आप ट्रेड लेने के बाद अपने आपको चीटेड अगर फील कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है। नेक्स्ट है, द मार्केट हैज एनी पर्सनल एनमिटी विथ यू। इट मीन्स होता क्या है कि आपको ऐसा लगता है क्या कि मार्केट का स्पेशली आप ही के साथ दुश्मनी है। कैसे? वेन एवर यू बाई ए ट्रेड मार्केट स्टार्ट गो डाउन, मतलब जब भी आप कोई ट्रेड बाई करते हैं तो मार्केट नीचे चला जाता है। वेन एवर यू सेल ए ट्रेड मार्केट स्टार्ट गोइंग अप, मतलब आप जब भी कोई ट्रेड बाई कर रहे हैं तो वो नीचे चला जा रहा है, अगर कोई सेल कर रहे हैं
तो ऊपर चला जा रहा है। नेक्स्ट, यू सी द मार्केट एज ए फ्री बुल केपेबल ऑफ मूविंग इन एनी डायरेक्शन एट एनी टाइम मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि मार्केट एक खुला सांड की तरह है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा हमको पता नहीं कर सकते, उसको प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर लुक टूक ए ट्रेड इन इंथोजियम एंग्री और जॉय। इट मींस ये होता है कि आप क्या कभी कोई एक किसी ट्रेड को जोश में आके लिए हो, या गुस्से में आके लिए हो, या खुशी में आके लिए हो, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट, इफ यू लॉस्ट द एंटायर अकाउंट व्हाट वाज योर इनिशियल अकाउंट। इट मींस क्या है कि अगर आपके पास कुछ कैपिटल है जिससे आप ट्रेड कर रहे हैं, और आपका अगर पूरा ट्रेड एक ही दिन में अगर वो खत्म हो जाए, पूरा अकाउंट डिलीट हो जाए, लॉस हो जाए, तो उस समय आपका इनिशियल रिएक्शन क्या होता है। उस समय अगर आपको गुस्सा फील होता हो, उस समय अगर आपको एंग्री फील होता हो, तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या होता है, एक कोटेशन है, ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इट मींस जब भी मार्केट अगर बुलिश हो, तो ये नहीं देखना है कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, अब यहाँ से हम पुट लेंगे, अब तो गिरेगा ही गिरेगा, ये नहीं देखना है। ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड, जब जैसा मार्केट हो उसी तरीके से हमको बिहेव करना चाहिए। इट मींस क्या है कि बहुत सारे यहाँ पर जो भी सेमिनार या वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, इसमें क्या है, बहुत सारे लोग सिर्फ बुलिश ट्रेड लेने वाले होंगे, उनको क्या है कि हमेशा सिर्फ बुलिश ट्रेंड ही दिखता है, जहां उनको बुलिश दिखे वो हमेशा बुल ही ज्वाइन कर दिए, मतलब हमेशा वो कॉल के लिए ही देखते हैं। कुछ कुछ ऐसे होंगे जिसको हमेशा सेल ही पसंद है, कि जब भी वो दिखे हम बियरिश ट्रेड ही लें। लेकिन अगर आपको एक्चुअल ट्रेडर बनना है, तो आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड चाहे अगर बुलिश हो तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, ट्रेड अगर बियरिश हो तो हम बियरिश ट्रेड लेंगे। उसी तरीके से कहा गया है, द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग इज ए जंगल, डोंट बी ए बियर और ए बुल, बी ए किंग। ट्रेडिंग क्या है, एक तरीके का जंगल है, यहाँ हमको बियर और बुल बन के नहीं रहना है, हमको इस ट्रेडिंग का किंग बनना है। इट मीन्स जैसा ट्रेंड वही है हमारा फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, रीजन बिहाइंड अनसक्सेसफुल ट्रेडर। कुछ रीजन है जिनको अभी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला रीजन है ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज, सेकेंड ट्रीट ट्रेडिंग लाइक गैम्बलिंग, थर्ड इमोशनल ट्रेडिंग, फोर्थ इंथ्यूजम इट मीन्स जोश उत्साह, फिफ्थ रिवेंज ट्रेडिंग, सिक्स ट्रेडिंग फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, सेवंथ ओवर एनालिसिस, एट ओवर ट्रेडिंग, नाइन्थ ट्रेडिंग विदाउट अ स्टॉप लॉस, टेंथ ट्रेडिंग विद हैवी क्वांटिटी। तो हम लोग अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनके होने के पीछे का रीजन क्या है, और क्या क्या सोल्यूशन अगर हम एडॉप्ट करें, या क्या क्या हम अपने आप में चेंजेस करें, अपने साइकोलॉजी पे या अपने बिहेवियर पे चेंज करें, जो हम इनके जो भी हमारे ऊपर जो हो रहे हैं लॉसेस, या जो भी इस तरीके का कंडीशन क्रिएट हो रहा है, तो उसमें हम कैसे उसको पार पा सके। तो फर्स्ट है हमारा ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज। ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज करने का मतलब है कि आप कोई भी अगर ट्रेड लेने जा रहे हैं बिना किसी जानकारी के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, जैसे कि कहीं भी आए और कहीं भी घुस लिए, मतलब रेड कैंडल दिखा तो पुट ले लिए, ग्रीन कैंडल दिखा तो कॉल ले लिए, तो क्या होता है वो आपके लॉस होने का बहुत बड़ा रीजन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कोई नॉलेज नहीं होता है कि मार्केट में कैसा बिहेव करता है, कहाँ से क्या लेना चाहिए। तो उसके पीछे कुछ रीजन है, फर्स्ट लैक ऑफ नॉलेज एजुकेशन, मतलब आपको क्या है कि उसके बारे में पता नहीं है कि कैसे क्या काम करता है, मार्केट की डायनेमिक्स क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। तो लैक ऑफ एजुकेशन सबसे बड़ा कारण है ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज का। नेक्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस करने का मतलब क्या है कि आपको लगता है कि हम जो एनालिसिस किए हैं ये बहुत है, मतलब ये हम कभी गलत नहीं हो सकते। नेक्स्ट मिस इंफॉर्मेशन। मिस इंफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे कोई इस तरीके के एक ही दिन में जिनको अमीर बन जाना है, तो वो होता है मिस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका इंपल्सिव बिहेवियर। इंपल्सिव बिहेवियर में जंप इनटू मार्केट विदाउट टेकिंग द टाइम टू एजुकेट देमसेल्फ प्रॉपरली। इट मीन्स कि अगर हमको मार्केट में क्या है कि हम आते साथ एंट्री ले ले, ना हम अपने सेटअप का वेट करें, ना हम अपने किसी लेवल का वेट करें, जैसे हम लैपटॉप खोले या मोबाइल ऑन किए, बाजार में जैसे एंट्री किए, इंपल्सिव ट्रेड ले लिए। तो वो क्या होता है कुछ रीजन से ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज के। तो इनका सोल्यूशन कुछ है जिसको अगर हम फॉलो करें तो इस पर हम पार पा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एजुकेट योर सेल्फ। एजुकेट योर सेल्फ मतलब जो भी हमारे ट्रेडिंग नॉलेज है, आइदर आप क्वालिटेटिव सीखे चाहे क्वान्टिटिव सीखे, क्वान्टिटेटिव में आपका AOC बेस्ट है, क्वालिटेटिव में बहुत सारे को चार्ट पैटर्न आते होंगे, बहुत सारे को कैंडल स्टिक्स पैटर्न आते होंगे, बहुत सारे को बहुत सारी स्ट्रेटेजी आती होंगी, तो वो है कि अपने आप को एजुकेट करें। नेक्स्ट डेवलप ए ट्रेडिंग प्लान, जैसे कि AOC के देख के हम एक अपना ट्रेडिंग प्लान डेवलप करें कि हमको सपोर्ट से ही कॉल लेना है, रेजिस्टेंस से ही पुट लेना है। नेक्स्ट सीक मेंटरशिप और गाइडेंस। सीक मेंटरशिप और गाइडेंस क्या है कि आप हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, हो सकता है हमेशा आप सही नहीं हो सकते हैं,
अगर आपको कहीं कुछ गलत लगे तो एओसी के जो राज सर है उनको मेंटरशिप एज ए फॉलो करें, उनसे गाइडलाइंस लेने रहे, और आपके कोई अगर पर्सनल भी अगर कोई मेंटर है तो उनके साथ रेगुलर टच में रहें, उनके रेगुलर गाइडेंस में। नेक्स्ट, प्रैक्टिस पेशेंस एंड डिसिप्लिन। जो भी आपके पास है उसके पीछे बैक टेस्टिंग करें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जितना ज्यादा बैक टेस्ट करिएगा उतना ज्यादा आपका रिजल्ट एक्यूरेसी होगा। नेक्स्ट, पेशेंस, कोई भी चीज को हम हड़बड़ा के और जल्दी पे ना ले ले, डिसिप्लिनली फॉलो करें। नेक्स्ट, इवेल्युएट एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक। जो भी आप मिस्टेक्स किए हो बैक टेस्टिंग करें, पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखें, पोस्ट मार्केट एनालिसिस को कंप्लीट करें, उससे क्या है कि जो भी आप मिस्टेक किए मिस्टेक्स को लिखते जाए, ऐसा मतलब उसको करें कि हम वो जो एक बार गलती हो गया वो दोबारा हमारे से गलती ना हो। नेक्स्ट, जो भी अनसक्सेसफुल ट्रेडर साइकोलॉजी होती है, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक ए गैम्बलिंग। अनसक्सेसफुल ट्रेडर का ये सोच होता है कि वो ट्रेडिंग को हमेशा गैम्बलिंग की तरह समझता है। क्यों? क्योंकि उसके पास लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ की कमी होती है। नेक्स्ट, डिजायर ऑफ क्विक गेन्स, वो एक दिन में राजा बनना चाहता है, एक दिन में करोड़पति बनना चाहता है, इसीलिए ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह लेता है। इमोशनल रिस्पॉन्स टू विन और लॉसेस, इट मीन्स क्या है कि द इमोशनल हाइज फ्रॉम विनिंग ट्रेड्स एंड द लोस फ्रॉम द लॉसेस कैन ट्रिगर एडिक्टिव टेंडेंसी। मतलब होता क्या है कि मान लीजिए आपका एक अगर आज ट्रेड लिए, दो ट्रेड लिए आपका सक्सेसफुल हुआ, तीसरा ट्रेड लिए सक्सेसफुल हुआ, तो आपको क्या लगता है कि मैं जितना भी ट्रेड ले रहा हूं हमेशा मेरा ये सक्सेसफुल हो रहा है। तो इससे क्या है कि आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह लेने लग गए। पहले आप एक लॉट लेते थे सक्सेसफुल हो गए, दो लॉट लिए सक्सेसफुल हो गए, तो आप क्या करेंगे तीसरा बार सीधा 10 लॉट या 20 लॉट से घुसेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको एक बार भी अगर लॉस लगे तो पहला और दूसरा जो भी प्रॉफिट हुआ तो वो घर से नुकसान चला जाए। इसके कुछ सोल्यूशन है, एजुकेशन एंड रिसर्च। इट मीन्स क्या है कि आप एओसी को सीखें, जो भी आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस है बैक टेस्टिंग करें और बार बार रिसर्च करें कि आपसे अगर कहीं गलती हो रही है तो उसको कैसे हम सुधार सके। नेक्स्ट, मैनेज योर इमोशंस। मैनेज योर इमोशंस इट मीन्स क्या है कि आप अगर मान लीजिए अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं और आपके पास अगर लॉस हो जा रहा है तो अपने गुस्से को कंट्रोल करें, काबू करें। सबका गुस्से का कंट्रोल करने का अलग अलग तरीका होता है, आप अपने तरीके से गुस्से को कंट्रोल करें। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेड हो रहा है तो अपनी खुशी को कंट्रोल करें। नेक्स्ट, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। इट मीन्स क्या है कि अगर आप मान लीजिए ट्रेड ले रहे हैं, बेसिक एग्जांपल अगर हम निफ्टी को ले रहे हैं, तो आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें कि हमारे पास अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो 50 पॉइंट का ही मूवमेंट हो तो हम टारगेट इसके पर ले, ये ना कि अगर हम एंट्री ले तो मेरा 200-250 पॉइंट एक ही दिन में आ जाए। जो मेरा एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, जहां तक जा सकता है, जहां तक हम उसको गेन कर सकते हैं, जहां तक हम अचीव कर सकते हैं, वहीं तक हम उसको एक्सपेक्टेशन रखें। नेक्स्ट, यूज रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। रिस्क मैनेजमेंट टूल्स इट मीन्स आप जब भी अगर फॉलो करें तो एसएल रखें, जिससे क्या है कि आपका रिस्क मैनेज हो, कि अगर लॉस भी हो तो लिमिटेड लॉस। नेक्स्ट, सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ नीडेड। अगर आप इस तरीके से सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो जो इनको मास्टर कर चुके हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास नॉलेज है, उनसे कुछ सीखने का कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल ट्रेडिंग, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। यही चीज हमारे लिए होता है कि इमोशनल ट्रेडिंग अकर्स व्हेन द ट्रेडर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन दियर इमोशन रेदर देन दियर रेशनल एनालिसिस। इट मीन्स क्या होता है कि अगर हम जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो अपने इमोशंस पे ले रहे हैं, इमोशन मतलब हमको लग रहा है कि ऐसा होगा, तो मार्केट में अगर जो लग रहा है उस तरीके पे अगर आप ट्रेड करिएगा तो मार्केट आपको अच्छा से लगा। तो आपको इसके लिए ये इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे कि फियर एंड ग्रीड, डर और लालच। होता क्या है कि आपको लालच हो जाता है कि हम अगर एक ट्रेड लिए हैं तो हमको और मिले, एक ही दिन में हम और कमाएं, और वही चीज है डर आपको इस तरीके से लग जाता है कि अगर मेरा लॉस हो गया है तो आप क्या करते हैं कि इस तरीके से बने रहते हैं कि हमको कम से कम लॉस हो और ज्यादा से ज्यादा हो, तो फियर और ग्रीड पे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट, ओवर कॉन्फिडेंस। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको इस तरीके से लगता है कि यहाँ पे हुआ है, नहीं मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी इमोशनल ट्रेडिंग का बहुत बड़ा एक रीजन है। नेक्स्ट, लॉस एवर्सन। लॉस एवर्सन करने का मतलब है द पेन ऑफ लॉसेस कैन लीड ट्रेडर्स टू डेविएट फ्रॉम दियर ट्रेडिंग प्लान। मतलब क्या है कि आपका जो लॉस हुआ ना, एक लॉस होने के पास जो आपका ट्रेडिंग प्लान था उससे आप डेविएट हो जाते हैं। होता क्या है कि आप बैक टेस्टिंग करके या अपना प्लानिंग करके जाते हैं कि नहीं मैं इस तरीके का जाऊंगा, इस तरीके का खेलूंगा, इस तरीके से करूंगा, लेकिन क्या है कि आप अगर पहले बार गए और आपको लॉस हो गया तो आपका जो भी ट्रेडिंग प्लान था वो आप उसको निग्लेक्ट कर देते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड ले लेते हैं, इमोशनल में आके ट्रेड ले लेते हैं कि नहीं ये मेरा लॉस कैसे हो गया, मैं कहीं से भी ट्रेड ले लूं। नेक्स्ट, कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस करने का मतलब क्या है कि आप घर से ही प्रिपेयर होके जाते हैं कि नहीं आज मार्केट बुलिश होगा, जो भी होगा मैं कॉल पे कॉल लूंगा। तो यही एक
इमोशनल ट्रेडिंग के पीछे एक रीजन होता है कि आप मार्केट के प्रति बायस हो जाते हैं, बुलिश की बुलिश देखते रहते हैं, मार्केट जितना भी गिर रहा हो आप कॉल पे कॉल लिए जाते हैं, कॉल पे कॉल लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बायस हो जाते हैं कि नहीं ये तो बहुत गिर चुका है, अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा। यही एक रीजन है इमोशनल ट्रेडिंग के पीछे। इसके कुछ सोल्यूशन है, जैसे कि डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। डेवलप सेल्फ अवेयरनेस कहने का मतलब है रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज योर इमोशन ट्रिगर्ड व्हेन ट्रेडिंग। आप जब भी कोई ट्रेडिंग ट्रिगर हो रहा है तो अपने इमोशन को पहचाने कि किस तरीके से मेरा वो आ रहा है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करे, अपने जॉय पे कंट्रोल करे। स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान। जो ट्रेडिंग प्लान आप लेके गए हैं या जो ट्रेडिंग प्लान आपका प्रिपेयर है उसी पे बने रहे, चाहे वो SL लगे या वो टारगेट हिट करे। SL लगे तो उस पर आपको एंगर को कंट्रोल करना है, और अगर आपके टारगेट पे आए तो अपने जॉय को कंट्रोल करना है, अपने खुशी को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट, इंप्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट। इंप्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि आप हमेशा जब भी ट्रेड ले स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड। नेक्स्ट, टेक ब्रेक्स एंड मैनेज स्ट्रेस। अगर आपके पास, अगर जैसे सर ने बताया थ्री ट्रेड रूल, अगर आपका दो लॉस हो चुका है तो तीसरा ट्रेड नहीं ले। टेक ब्रेक्स, कुछ देर के लिए आराम करे, स्ट्रेस को मैनेज करे, और नहीं होता है तो नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड प्लान। नेक्स्ट सॉल्यूशन है फोकस ऑन प्रोसेस नॉट ऑन द आउटकम। इट मींस क्या होता है कि आप जिस तरीके से ट्रेड ले रहे हो सकता है कि कभी कभार आपका प्रोसेस में गलत हो जाए, तो आप अपने प्रोसेस पे बने रहें। क्या मार्केट दिख रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो जा रहा है, काश मैंने ऐसा लिया होता तो चला जाता, उस पे ना करके, उसके आउटकम पे ना करके आप अपने प्रोसेस पे फोकस करें। नेक्स्ट, सीक सपोर्ट एंड फीडबैक। सीक सपोर्ट एंड फीडबैक क्या, कि अगर मान लीजिए आप इमोशनली वीक हो जा रहे हैं कि नहीं मेरे पास 1 वीक से लगातार लॉस हो रहा है, तो जो भी आपके मेंटर हैं, जो भी आपके गाइडलाइन जिससे आप गाइडेंस लेते हैं, उनके साथ बात करें, उनसे कुछ सीखे, या उनका अपना जो भी है उनसे साथ शेयर करें, और वो अपनी उनसे फीडबैक ले कि मैं अगर ऐसा कर रहा हूं तो इससे क्या क्या सोल्यूशन कर सकता हूँ या कैसे अपना अपने सुधार कर सकते। नेक्स्ट है एंथुजियम, जैसे कि जोश उत्साह। ये अनसक्सेसफुल ट्रेडर का बहुत बड़ा एक रीजन है कि जो भी ट्रेड ले ले रहे हैं ना, जैसे पैशन फॉर ट्रेडिंग, बहुत कोई का क्या होता है कि पैशन है, जोश में जाकर ट्रेड ले ले रहे हैं, मैंने गया मार्केट ओपन किया और जोशो जुनून में ट्रेड ले ले रहे हैं, ये उनके अनसक्सेसफुल होने का बहुत बड़ा रीजन है। नेक्स्ट, डिजायर फॉर सक्सेस। डिजायर फॉर सक्सेस का मीनिंग है ट्रेडर ऑफन एंटर इन टू द मार्केट विद हाई होप ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल सक्सेस। मतलब आप घुस तो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं एक ही दिन में बहुत बड़ा लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, एक ही दिन में सक्सेसफुल हो जाऊं, तो ये अनसक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीजन है। नेक्स्ट, एक्साइटमेंट फॉर पोटेंशियल प्रॉफिट। इट मींस क्या है कि आपका सोच वही है कि मैं अगर 10 लगा रहा हूं तो एक ही दिन में 100 कमा लूं, 1000 कमा लूं, 1 लाख कमा लूं, वो आप कहते हैं कि आप बहुत सारे प्रॉफिट पे लालच पे चले जा रहे हैं। तो इसका एक सोल्यूशन, ये इसके सोल्यूशन है जैसे कि मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी। मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी कहने का मतलब है कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव है, जो आप सोच के गए हैं, आपकी जो भी आप जोशो जुनून में ट्रेड ना करके आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, आपकी जो गोल है, रियलिस्टिक गोल को फॉलो करें, उसी के ऊपर बने रहें। सेट योर स्टिक ऑन योर ट्रेडिंग प्लान। मैनेज रिस्क अप्रोप्रिएटली, मतलब आपके पास अगर 10,000 की कैपिटल है तो 1-1,000 करके ही ट्रेड ले, उसको उस तरीके से करें कि आपका रिस्क बना रहे, कि आप अगर एक ट्रेड लॉस भी हो जाए तो मेरे पास कैपिटल बना रहे। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश करें। ट्रेडिंग मार्केट एक ऐसा बाजार है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, रोज नया कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा। इसलिए अपने आप में लर्निंग बना के रखें कि आज मैं जा रहा हूं तो कुछ ना कुछ सीख के आऊंगा, और जो सीखूंगा उसी को इंप्लीमेंट करूंगा और कोशिश करूंगा इंप्रूवमेंट करने का। नेक्स्ट, स्टे ग्राउंडेड। जोशो जुनून में ऐसा नहीं है कि एक सप्ते से अगर ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा 1 सप्ताह अगर सक्सेसफुल जा रहा है तो मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। मतलब घमंड में चूर नहीं होना है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, जो मेरे ट्रेडिंग प्लान है उसी पे बने रहना है, जो गोल्स है उसी पे कंटिन्यू रहना है। नेक्स्ट, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग कहने का मतलब है कि बाजार के साथ एक होता है दुश्मन बना के, वो मेरा नुकसान कैसे कर सकता है, लड़ाई। तो एक कहावत है मार्केट मूव्स इमोशनलेस। मार्केट के पास कोई इमोशन नहीं होता है, मार्केट हमेशा इमोशनल लेस होके मूव करता है। द मार्केट डज नॉट मूव अकॉर्डिंग टू द ट्रेडर है फॉलो द मार्केट। मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, वही चीज है। तो रिवेंज ट्रेडिंग बहुत बड़ा अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स का एक रीजन है। ये कब होता है, इनका रीजन है इमोशनल रिस्पॉन्स टू लॉसेस। मतलब आपका अगर एक लॉस हो गया हो या दो लॉस हो गया हो तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं कि ये मेरा लॉस कैसे कर सकता है, मेरा ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे गलत हो सकता है, मेरा तो ये कभी फेल ही नहीं हो सकता है। वहां क्या होता है कि आप
रिवेंज लेना शुरू कर देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता हूं। इसके सॉल्यूशंस हैं, रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज योर इमोशन, अपने इमोशन को पहचाने की, अगर लॉस हुआ है तो अपने एंगर को कंट्रोल करें, अगर आपके पास अगर उस तरीके का लॉस पे लॉस हो रहा है तो ब्रेक ले, अगर ज्यादा लॉस हुआ है तो ब्रेक ले, अपने लॉट साइज को कम करें। रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट कहने का मतलब है कि आपको किस तरीके से क्या वहां पे हो रहा है, किस तरीके का दिख रहा है उसको रिव्यू करें, अगर लॉस हुआ तो किस तरीके से हुआ, क्या उसमें मेरे पास कमियां थी या मार्केट में ऐसा क्या हो गया जो मेरे अगेंस्ट चला गया। तो यही है कि अपने ट्रेडिंग प्लान पे स्टिक रहें, रिवेंज ट्रेडिंग का बेस्ट यही है कि आपका जो ट्रेडिंग प्लान है उसी पे बने रहें, आइदर SL और टारगेट। नेक्स्ट, इंप्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट, इट मींस हमेशा SL के साथ ही एंट्री लें, तो इससे क्या है कि आपका लॉस ज्यादा नहीं होगा तो मार्केट से आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, इट मींस क्या होता है कि आप शॉर्ट टर्म पे ना देखें कि मेरा अगर एक दिन लॉस हो गया हो, एक दिन दो दिन तीन दिन लॉस हो गया हो, तो ये नहीं कि मेरा स्ट्रेटेजी गलत है, मैं हम जो ट्रेडिंग प्लान लिए हैं वो गलत है। लॉन्ग टर्म सोचे कि अगर मान लीजिए 3 दिन गलत भी हो गया है तो मैं नेक्स्ट वीक उससे कोशिश करूंगा कि इस पर रिकवर, या उस तरीके से मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। लॉन्ग टर्म की तरफ सोचे, 1 महीना का सोचे, 1 साल का सोचे। अगर आपका एक दिन का लॉस हुआ है तो उस एक दिन को लॉस रिकवर करने के लिए आपको 1 सप्ताह लग सकता है, 1 सप्ताह का लॉस को रिकवर करने में आपको 1 महीना लग सकता है, 1 महीना का लॉस को रिकवर करने में आपको हो सकता है तो 1 साल लग सकता है। तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे, शॉर्ट टर्म या उस तरीके से रिवेंज ना ले। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, सीख सपोर्ट एंड गाइडेंस, हमेशा जो आपके मेंटर है उनसे गाइडेंस लेते रहें और सीखते रहें। नेक्स्ट, ट्रेडिंग फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ट्रेडिंग फोमो इट मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब कोई चीज हमसे छूट जाना, उसी चीज छूट जाने का डर, ये इसके पीछे रीजन है डिजायर ऑफ क्विक प्रॉफिट, मतलब अगर किसी को जल्दी चाहत है अमीर बनने की, ज्यादा प्रॉफिट लेने की, उनके साथ हमेशा ये सिचुएशन क्रिएट होता है, हमेशा वो फोमो ट्रेड लेते हैं, उनको लगता है कि नहीं मेरा से ये कहीं छूट ना जाए इसीलिए मैं यहीं से एंट्री ले लूं, लेवल आने से पहले ही एंट्री ले लेते हैं। नेक्स्ट है सोशल प्रूफ, सोशल प्रूफ कहने का मतलब क्या है कि आप अभी के टाइम में इंटरनेट के टाइम पे देखिएगा, सोशल मीडिया में बहुत सारे कोई बताते हैं कि एक दिन में ये स्ट्रेटेजी पे ये हो जाता है वो हो जाता है, तो आप ये सोच के आते हैं कि नहीं मैं यहीं से एंट्री ले लूंगा, बीच से ही एंट्री ले लूंगा, मैं कहीं से भी ले लूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट, पास्ट रिग्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी के माइंड पे एक जगह बना लेता है कि मैंने अगर इस तरीके का ट्रेड पिछले बार लिया था तो मेरा छूट गया था, तो उनको वो रिग्रेट रहता है माइंड में बना हुआ कि मेरे से ये चीज पहले छूट गया था तो मैं अब इसको छूटने नहीं दूंगा, इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो जल्दबाजी में आके ट्रेड ले लेते हैं कि कहीं वो मेरे से छूट ना जाए, और होता क्या कि अगर वो अगर उसके अगेंस्ट भी चला जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। इसके सॉल्यूशन वही है, डेवलप ए ट्रेडिंग प्लान फोकसिंग ऑन AOC और योर क्वालिटेटिव एनालिसिस, फोकस ऑन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, इट मींस क्या है कि आपका जो ट्रेडिंग प्लान है उस पर फोकस करें, ना कि आप एक ही दिन में करोड़पति बनने का सोचे, अगर आपका जो छोटा छोटा प्रॉफिट है क्वालिटी पे देख ध्यान दें ना कि क्वांटिटी पे, जो एक दिन का आपका प्रॉफिट है उतना आपको मिले उतने में ही खुश रहिए, सेटिस्फाई फील करिए, तो आपको क्या होगा कि एक तरीके से मेंटेलिटी डेवलप होगा। नेक्स्ट, ऑलवेज यूज लिमिट ऑर्डर्स, होता क्या है फोमो एंट्री हमेशा मार्केट ऑर्डर में ही लेते हैं, तो कोशिश करिए आपके जो लेवल्स है वहां पे लिमिट ऑर्डर लगा के रखने के लिए और SL लिमिट लगा के रखने के लिए, तो अगर आपके लिमिट ऑर्डर्स पे आए, आइदर वो लिमिट पे आपका एंट्री हो एग्जिट हो या SL लगे, तो हमेशा लिमिट ऑर्डर को फॉलो करें ना कि मार्केट ऑर्डर को, मार्केट ऑर्डर को वही फॉलो करते हैं जिनको खो जाने का फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है। नेक्स्ट, रिव्यू योर ट्रेड, इट मींस क्या है कि डेली शाम में जब भी आपको टाइम मिले तो उनका पोस्ट मार्केट देखिए कि आपने आज जो किया वो किस तरीके से हुआ, किस तरीके से आपका वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम किया कि नहीं किया, और अगर कुछ उस पर कुछ एरर है या कुछ करेक्शन है या कुछ इंप्रूवमेंट है तो आने वाले ट्रेड में उसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते। नेक्स्ट, ओवर एनालिसिस, ओवर एनालिसिस होता क्या है, ये हमेशा उनके लिए होता है जो अपने आप को परफेक्ट करना चाहते हैं, परफेक्टनिज्म, इट मींस क्या होता है कि मान लीजिए आपको एक ट्रेड ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक परफेक्ट ट्रेड लूं, इट मींस ये उनके साथ हमेशा होता है जो कोशिश करते हैं कि मैं हमेशा बॉटम पकड़ूं या ट्रेड में सबसे टॉप पे पकड़ूं, तो उनके साथ हर चीज को जो परफेक्टन करना चाहते हैं, परफेक्ट करना चाहते हैं, उनके साथ ही हमेशा होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं वो कभी एक चीज को फॉलो करेंगे, कभी दूसरे चीज को फॉलो करेंगे, तीसरे चीज को फॉलो करेंगे। तो मार्केट में एक कहावत है कि मार्केट में हर चीज काम करती है, चाहे आप इंडिकेटर काम करें, चाहे आप डेटा पे यूज करें, मार्केट पे हर चीज काम करती है, लेकिन मार्केट पे हर चीज हमेशा काम नहीं करती, तो उसी चीज में हो सकता है कभी ये आपको कोई भी कुछ ट्रेड
बुलिश बता रहा हो, कोई ट्रेड बियरिश बता रहा हो, इसी के कारण आपका ओवर एनालिसिस के कारण भी आपका बहुत अनसक्सेसफुल होते हैं या लॉसेस होता है। ओवर एनालिसिस का अनदर रीजन है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप में क्या कि कन्विक्शन की कमी होना, आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूं क्या वो सही हो सकता है, क्या ये सही है। इसी कारण से क्या करते हैं कि आप एक एनालिसिस करके फिर दूसरे एनालिसिस पे चले जाते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं हो सकता है मैं यहां भी गलत हूं, तो आप तीसरे एनालिसिस करने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट होता है फियर ऑफ फेल्योर, हारने का डर, हारने की डर की वजह से आप बार बार एनालिसिस करते हैं, बहुत सारा एनालिसिस करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको एक ओवर एनालिसिस का एक बन जाता है, जिससे फेल्योर होने की और भी क्राइटेरिया या फेल्योर होने की चांसेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड क्या है ना कि आप एक ही जगह पे देखिएगा, कोई एओसी लगा दिए, कोई ये इंडिकेटर लगा दिए, वो इंडिकेटर लगा दिए, कोई इधर का चार्ट लगा दिए, कोई इधर का पैटर्न लगा दिए, तो एक ही डेटा पे जितना सिंपल रखिएगा वो उतना आपके लिए बेस्ट है, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा वो आप ओवर एनालिसिस के कैटेगरी में आए। इनके बेस्ट सॉल्यूशन है सेट क्लियर क्राइटेरिया, अपना जो ट्रेडिंग प्लान है, अपना जो सीखे हैं उसका एक क्राइटेरिया सिंपल रखे, यहां आएगा तो मैं ऐसे फॉलो करूंगा, यहां आएगा तो ऐसे फॉलो करूंगा, अपना एक मिनिमम क्राइटेरिया रखे कि नहीं मैं मेरे लिए इतना सफिशियंट है, मिलेगा तो इन्हीं क्राइटेरिया पर ट्रेड करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। लिमिट एनालिसिस टाइम, जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं जिसके ऊपर भी कर रहे हैं उसको लिमिटेड कर लिए कि नहीं मैं इतना ही एनालिसिस करूंगा, इतने समय पे ही करूंगा। फोकस ऑन की फैक्टर, जैसा मैंने बताया कि आप जो फैक्टर्स है उनको ही फोकस करें, ये नहीं कि उसके अलावा अगर आप एक दिन लॉस कर दे, 2 दिन लॉस करके, 3 दिन लॉस करके, तो आपने ट्रेडिंग प्लान को चेंज कर दें, वही है आपके जो ट्रेडिंग प्लान है उसी को डेवलप करें और उसी पे बने रहें। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, बहुत लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं उनका एक इंस्टिंक्ट है कि हाँ यहाँ से मैं ले रहा हूं तो यहाँ से वो जाएगी, तो अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करें, हो सकता है आपका इंस्टिंक्ट कभी कभार गलत हो लेकिन हमेशा वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका इंस्टिंक्ट तभी बन पाएगा जब आप कुछ सीखे हैं, कहीं से आप जानते हैं उसके बारे में, जब आप एक्यूरेट किए तभी जब आपका वो इंस्टिंक्ट बताएगा कि नहीं यहाँ से वो जाएगा ही जाएगा, और अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करें। नेक्स्ट, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, जब भी प्रैक्टिस करें शांति से करें, ये ना कि आप ये सोच के करें कि आज मेरा लॉस हो गया या आज मेरा प्रॉफिट हो गया, जब भी प्रैक्टिस करें शांत दिमाग से करें। इवेल्युएट परफॉर्मेंस, इट मींस क्या है कि आपका अगर वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो वीकली में देखिए कि मैंने किस दिन क्या किया, वो अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें, उसके ऊपर वर्क करें। नेक्स्ट, ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग ये एक बहुत बड़ा रीजन है अनसक्सेसफुल होने का। ओवर ट्रेडिंग के सबसे बड़ा एक रीजन होता है इम्पल्सिटी, मतलब आप इम्पल्सिव होकर ट्रेड करते हैं, आप मान ले चलते हैं कि नहीं मार्केट मेरी अगर इस जगह पे आया है, हो सकता है कभी कभार आपको 4 बार ट्रेड 5 बार ट्रेड दे दे, तो आप इम्पल्सिव होकर 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार ट्रेड लेते हैं, तो वही है इसका एक रीजन है कि इम्पल्सिव आप जब बिहेवियर आपका आ जाएगा, आप जब इम्पल्सिव हो जाएंगे तो आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ट्रेड के छूट जाने का डर, जिसके कारण से आप ओवर ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। नेक्स्ट, एडिक्शन ऑफ एक्शन, मतलब क्या है कि एडिक्शन ऑफ एक्शन, आपको ट्रेड लेने की खुजली बनी रहती है, तो अगर बहुत सारा दिन ऐसा होता है कि मार्केट आपके रेंज पे एक ही बार अगर आप एंट्री लिए हुए हैं तो टारगेट जाने में आपको कभी कभार 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगा देती है, तो आपका एडिक्शन है एक्शन का, तो आप क्या करते हैं, एक कैंडल बनी फिर बुक किए, फिर दूसरी कैंडल बनी फिर एंट्री ले लिए, तो यही आपका ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाता है। इसका बेस्ट वही, आपने अगर एक बार एंट्री ले ली है तो अपने टारगेट का वेट करें या तो एसएल का वेट करें। नेक्स्ट, अनदर रीजन बिहाइंड ओवर ट्रेडिंग इज ओवर कॉन्फिडेंस, आप अपने आप पे लगता है कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता हूँ, आपका अगर एक ट्रेड सही या गलत हो जाता है तो आप फिर दूसरे ट्रेड पे चले जाते हैं। इसका सोल्यूशन है स्टिक ऑन योर ट्रेडिंग प्लान, जो भी आप प्लान बनाए हुए हैं, जो भी आपका स्ट्रेटेजी बना हुआ है उसी पे फोकस करे रहे हैं। सेट डेली 3 ट्रेड लिमिट, जैसा सर ने बताया हुआ है कि आप 3 ट्रेड ही लें, उसी पे फोकस करें, विथ 1:2 और 1:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड, मतलब क्या है कि 1/3, इट मीन्स कहने का मतलब क्या कि अगर आप 100 दिन ट्रेड ले रहे हैं, 100 दिन में अगर आपका बस 30 दिन ब्रेक इवन होने के लिए चाहिए, आप 100 ट्रेड ले रहे हैं, 100 ट्रेड में अगर आपका 30 ट्रेड भी सक्सेसफुल रहा तो आप नो प्रॉफिट लॉस में रहेंगे, तो ये क्या होता है कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर फिक्स्ड है तो इससे क्या होता है कि आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड फिक्स है तो आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, फोकस ओवर ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी, ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। नेक्स्ट, यूज टेक्नोलॉजी टू लिमिट योर ट्रेडिंग, इट मीन्स क्या है कि मान लीजिए अगर आपका ट्रेड एक या दो से अधिक हो जा रहा है, तो आजकल बहुत सारे ब्रोकर्स क्या हुए हैं कि एक ऑप्शन दिए हुए किल स्विच का, आप क्या करें कि आपको जब लग रहा है कि आपको ओवर ट्रेडिंग के शिकार होने लग रहे हैं या आपको अंदर से ही गुस्सा आ रहा है, आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिए उसके किल स्विच को ऑन कर दीजिए, जिससे क्या है कि
24 आवर्स तक वो आपके लिए ट्रेडिंग क्लोज कर दे। नेक्स्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म गोल। नेक्स्ट अनसक्सेसफुल ट्रेडर होने के पीछे का रीजन है ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। बहुत सारे को लगता क्या है कि मैं ट्रेड लूंगा तो बिना स्टॉप लॉस के लूंगा, क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? फियर ऑफ बीइंग स्टॉप आउट। कहने का मतलब होता है कि बहुत सारे को ये लगता है कि मैं कहीं मार्केट से बाहर ना चला जाऊं। अगर किसी पॉइंट पे अगर वो एंट्री लिया तो उनको डर लगता है, इसी चीज का डर बना रहता है कि कहीं मेरा ये स्टॉप लॉस हिट करके भाग ना जाए, इसीलिए क्या करते हैं वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। नेक्स्ट रीजन ओवर कॉन्फिडेंस। अपने आप पे वो बहुत घमंड करने लग जाते हैं कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं, मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा ही नहीं। नेक्स्ट अनदर रीजन बिहाइंड दिस होप ऑफ रिकवरी। होता क्या है कि अगर मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाना शुरू कर दे तो आप ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं ये मेरे को रिकवरी करेगा, कहीं मैं ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव में ना आ जाए, इसीलिए आप स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। नेक्स्ट दबाओ कंप्यूटर चलाओगे। लैक ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, लैक ऑफ डिसिप्लिन कहने का मतलब है कि जो भी आप ट्रेडिंग प्लान बनाए हुए हैं, जो भी आप ट्रेडिंग मतलब क्रिएट किए हुए हैं, अपने आप को अपने रूल्स को अपने डिसिप्लिन को ही फॉलो नहीं करते हैं, वही आपका एक रीजन हो जाता है। तो इसकी सॉल्यूशन है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को समझे, मतलब क्या है कि आपका जो रिस्क है, मतलब अगर SL को समझे, अगर छोटा स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो आपका लॉस कम होगा। अगर यही आप अगर बड़े स्टॉप लॉस नहीं ले मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं तो आपका एक ही दिन में पूरा कैपिटल खाली हो सकता है। सेट क्लियर रिस्क पैरामीटर्स। रिस्क पैरामीटर्स क्या है कि आपका जो एक रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है फिक्स रखे, कि मेरा रिस्क फिक्स है तो रिवॉर्ड भी फिक्स रहेगा, जिससे क्या है कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बना रहे। तो यही होगा कि अगर आप 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे बने रहे तो 100 में 30 ट्रेड भी अगर आपका सही होता है तो आप ब्रेक इवन पे रहेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहेंगे। 31वें ट्रेड या 30 से ज्यादा ट्रेड अगर आप करें तो ऑलवेज प्रॉफिट रहेंगे। नेक्स्ट इंप्लीमेंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर। होता क्या है कि आप कर सकते हैं, ये उनके लिए जो एक्सपीरियंस्ड है, कि अगर आपका मार्केट अगर एंट्री लिए हुए हैं और अगर टारगेट पोजीशन पे जाने वाली है या अगर आपके एंट्री से आगे चली गई है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो भी स्टॉप लॉस लगाए हुए थे उसको आइदर कॉस्ट टू कॉस्ट कर दे या कुछ प्रॉफिट के ऊपर कर दे। नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉपर पोजीशन साइजिंग। इट मींस क्या है कि जो जिस लॉट से आप काम कर रहे हैं इस तरीके का अपना लॉट साइज बना के रखें जिससे कि आपके कैपिटल पे उसका इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट स्टे डिसिप्लिन। जो आप रूल्स बनाए हुए हैं उनको हमेशा फॉलो करें। नेक्स्ट रीजन है अनसक्सेसफुल होने का ट्रेडिंग विथ हैवी क्वांटिटीज। होता क्या है कि किसी के पास कैपिटल अगर 1 लाख की है तो वो चाहते हैं कि मैं 1 लाख की कैपिटल को एक ही दिन में यूज कर लूं, पूरा हैवी क्वांटिटी पे कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका डिजायर होता है क्विक प्रॉफिट का, वो चाहते हैं कि मैं एक ही दिन में वो प्रॉफिट गेन कर लूं। अनदर रीजन बिहाइंड इट ओवर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट ग्रीड, लालच होता है उनको एक ही दिन में हो जाने का, इसीलिए वो क्या करते हैं हैवी क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, मतलब उनको रिस्क रिवॉर्ड या स्टॉप लॉस का और टारगेट का कोई अंदाजा ही नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं, इसीलिए वो क्या करते हैं हैवी क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं। सॉल्यूशन बिहाइंड इट दैट एस्टेब्लिश योर प्रॉपर साइजिंग, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि अपना एक जो भी आपके पास क्वांटिटी है उसकी साइजिंग फिक्स कर दें, उनकी रेशियो को फिक्स करें कि मेरे पास अगर इतना क्वांटिटी है तो मैं इसका इतना परसेंट ही आज ट्रेड करूंगा। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। इट मींस क्या है कि अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो ये नहीं कि मैं पूरा अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक ही ट्रेड पे लगा दूं, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक ही स्टॉक पे लगा दूं। अपने पोर्टफोलियो को या अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करें कि मैं इसको अगर मेरे पास कैपिटल है तो मैं इसको 4 या 5 भाग में बांट दूं, पहला भाग में मैं कुछ ट्रेड करूं, इसके भाग में कुछ ट्रेड करूं, तो उनको डाइवर्सिफाई करके रखे। नेक्स्ट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। जो भी आपके शॉर्ट टर्म पे ना देखे, एक ही दिन में करोड़पति बनने का ना सोचे, सोचे धीरे 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 कैसे अपने प्रॉफिट को गेन करते जाएं और कैपिटल को कैसे कैसे हम प्रॉफिटेबल बनाते जाएं। नेक्स्ट सीक प्रोफेशनल गाइडेंस। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज सक्सेसफुल ट्रेडर साइकोलॉजी एंड बिहेवियर। जो जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि एज पर सेबी डेटा 90% ट्रेडर्स आर इन लॉस एंड 10% ट्रेडर्स आर इन प्रॉफिट, तो वो जो 10% ट्रेडर्स है उनकी साइकोलॉजी और उनकी बिहेवियर कैसी होती है, वो कैसे अपने आप को बना के रखते हैं कि वो 10% सक्सेसफुल के कैटेगरी में है, तो उनके कुछ रीजन्स हैं या उनके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पेशेंस, कॉन्फिडेंस ऑन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन, इमोशनलेस ट्रेडिंग, सेल्फ कंट्रोल, फियरलेस एटीट्यूड, मेक ए फ्रेश स्टार्ट एवरीडे, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डू नॉट बी ग्रीडी। वन बाय वन एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा सक्सेसफुल ट्रेडर की सबसे बड़ी
और पहली होती है कि वो जब भी ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने से वो पेशेंस, अपने आप पे धैर्य रखते हैं, अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि उस तरीके का हम डेवलप करें, पेशेंस डेवलप करने। तो पेशेंस डेवलप करने के पहले मतलब उनके पीछे क्या हो सकता है कि अंडरस्टैंड द मार्केट डायनेमिक्स, मार्केट की डायनेमिक को समझे। अगर मार्केट बुलिश है तो किस तरीके से हमको बिहेवियर करना चाहिए, मार्केट हमारा अगर बियरिश है तो हमको कैसे बिहेव करना चाहिए, मार्केट अगर कंसोलिडेटेड है, साइडवेज है तो हमको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट हैव ए क्लियर ट्रेडिंग प्लान। हमेशा आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान क्लियर होना चाहिए कि जो भी हमारे पास अगर है तो उसका रिस्क रिवॉर्ड फिक्स है, स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स है, एंट्री पॉइंट हमारा फिक्स रहे। बैक टेस्ट योर स्ट्रेटेजी। हमेशा अपने जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान है, जो भी आपका स्ट्रेटेजी है, उसको वीकली पे हमेशा बैक टेस्टिंग करते रहें कि अगर कुछ इसमें रिक्वायरमेंट हो इम्प्रूवमेंट का तो उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करते रहें। सेक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब भी आप प्रैक्टिस करें शांत दिमाग के साथ प्रैक्टिस करें। फोकस ऑन प्रोसेस ओवर आउटकम, ऑलरेडी डिस्कस कि जो भी हमारा होगा प्रोसेस पे फोकस करें ना कि आउटकम पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप ए ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल कहने का मतलब है कि आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं तो उसको लिखे या उसको एक जगह नोट डाउन करें कि आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं तो किस जगह पे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्या क्या रीजन है उसको लेने के पहले। और अगर वो टारगेट आ रहा है तो टारगेट आ रहा है तो अपने टारगेट को वहां पे लिखें, एसएल आ रहा है तो एसएल को लिखें, और लास्ट में जब उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करें तो वहां से उसको सीखने का कोशिश करें। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। प्रैक्टिस पेशेंस इन एवरीडे लाइफ, डेली उसी के ऊपर प्रैक्टिस करें, पेशेंस अपने आप पे धैर्य रखें, लर्न फ्रॉम मिस्टेक, अपनी गलतियों से सीखें। सराउंड योर सेल्फ विथ योर सपोर्टिव कम्युनिटी। इट मीन्स क्या है कि आप उनके साथ अपने आप को बना के रखें या उनके साथ आप रहें जो आपको सपोर्ट करे, हमेशा आपके साथ सपोर्टिव रहे। नेक्स्ट कॉन्फिडेंस ऑन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस ऑन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, बाय टेस्टिंग बाय बैक टेस्ट ऑन योर स्ट्रेटेजी। अपने आप पे बैक टेस्ट करिएगा तभी आपके स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। स्टार्ट विथ स्मॉल पोजिशन। जब भी कोई ट्रेड ले तो छोटे छोटे पोजिशन पे लगे, धीरे धीरे अपने पोजिशन को बढ़ाएं। ट्रैक परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली। आपका जो परफॉर्मेंस है उसको वीकली मंथली हमेशा उसको चेक करें कि आपका जो परफॉर्मेंस है किसी तरीके से बन रहा है, कैसा आपका ग्राफ जा रहा है। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं तो किस वजह से लॉस कर रहे हैं। फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, ऑलरेडी डिस्कस्ड, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करें। अंडरस्टैंड मार्केट कंस्टेंट। इट मीन्स क्या है कि मार्केट कैसा है, किस तरीके का बिहेव कर रहा है, उसके ऊपर उसको समझने का कोशिश करें। सेट फीडबैक एंड वैलिडेशन। इट मीन्स क्या है कि अगर आप कुछ ले रहे हैं, अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं तो बताएं, किसी को सिखाएं उससे आप, या मान लीजिए अगर आपके कोई मेंटर है उनको बताएं कि मैं इस तरीके से ऐसा ट्रेड ले रहा हूं, उनसे फीडबैक ले, उनको वैलिडेट करें कि मैं जो कर रहा हूं क्या सर सही कर रहा हूं, मैंने इस जगह पे इस तरीके का ट्रेड लिया था, ये देख देख के ट्रेड लिया था, क्या मैंने सही लिया था। तो उनसे वो फीडबैक ले, उस चीज को अपने आप को वैलिडेट करें उनके साथ। नेक्स्ट सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ऑलरेडी डिस्कस्ड। स्टे कंसिस्टेंट, हमेशा कंसिस्टेंट बने रहें। अगर आपका ट्रेडिंग थ्री ट्रेड रूल है तो हमेशा थ्री ट्रेड रूल पे बने रहें जब तक कि आप एक तरीके से एक्सपीरियंस ट्रेडर ना हो जाएं। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडेप्टेशन, हमेशा सीखने का कोशिश करें, हमेशा सीखते रहें और उसको एडेप्ट करते रहें। नेक्स्ट सक्सेसफुल होने का पीछे का रीजन है डिसिप्लिन। हाउ टू डेवलप डिसिप्लिन, क्रिएट ए डिटेल ट्रेडिंग प्लान। हमेशा जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान होगा उसका ऑब्जेक्टिव डिटेल होना चाहिए। आपका ट्रेड लेने का प्रोसेस, आपका तरीका हमेशा डिटेल या उस तरीके से बना होना चाहिए कि हमको इस जगह पे ये चीज देखे ट्रेड लेना है, उसी पे कंटिन्यू फोकस करें। स्टिक ऑन योर ट्रेडिंग प्लान। सेट क्लियर ट्रेडिंग रूल्स। आपके जो रूल्स हैं उन रूल्स पे ही बने रहे, उन ट्रेडिंग रूल्स को हमें चेंज ना करें। यूज लिमिट ऑर्डर। जब भी अगर आप ऑर्डर ले रहे हैं, जब भी आप कोई ट्रेड कर रहे हैं तो लिमिट ऑर्डर ट्रेड करें ना कि मार्केट ऑर्डर। इट मीन्स क्या है कि जब भी आपके लाइन पे है, जब भी आपके कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, आपके ट्रेड आ रही है, आपके जोन पे आ रही है, तो ही ऑर्डर को लिमिट ऑर्डर लेके क्लियर करें। नेक्स्ट इंप्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस एंड टारगेट स्ट्रेटेजी। मेंटेन इमोशनल कंट्रोल, अपने इमोशन पे कंट्रोल करने का कोशिश करें। अपने रिस्क रिवॉर्ड पे कंट्रोल रहेगा तो आपका इमोशन भी कंट्रोल रहेगा। रिव्यू एंड एनालाइज योर ट्रेड्स। अगर आपके कोई ट्रेड सक्सेसफुल हो रहे हैं उसको भी रिव्यू करें कि सक्सेसफुल हुआ तो किस रीजन से सक्सेसफुल हुआ, और उसको एनालाइज करें। अगर कोई फेल हुआ तो किस वजह से फेल हुआ, उसको भी आप रिव्यू और एनालाइज करें। स्टे एजुकेटेड एंड इन्फॉर्म। इट मीन्स क्या है कि मार्केट के बारे में हमें एजुकेटेड रहें। अगर मार्केट में कुछ बदलाव हो रहा है तो उसको सीखते रहें, आपस में
उसके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर इज इमोशन लेस ट्रेडिंग। जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है वो हमेशा इमोशन लेस ट्रेड करता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल आपको एक बताना चाहेंगे, अगर आप कैलकुलेटर पे अगर कुछ कैलकुलेट करना चाहें तो 1+1 अगर आप दबा रहे हैं तो हमेशा 2 ही आएगा। अगर चाहे आप उसको कितना भी धमकाएं, चाहे आप उसको कितना भी डराएं, चाहे आप कैलकुलेटर को कितना भी लालच दे, 1+1 3 कभी नहीं करेगा। चाहे पूरा दुनिया क्यों नहीं बोलने लगे कि 1+1 3 होता है, कैलकुलेटर हमेशा 1+1 2 ही देगा। तो आपकी जो ट्रेडिंग होगी उसको इमोशन लेस करें, जो आपकी जो स्ट्रेटेजी है अंडरस्टैंड योर इमोशन सच एज फियर ग्रीड एंड एक्साइटमेंट, उनको समझने का कोशिश करें। इस्टेब्लिश क्लियर ट्रेडिंग रूल, जो भी आपका 3 ट्रेड रूल है उसको एस्टेब्लिश करें और उसी को फॉलो करें। चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट कुछ भी मतलब दुनिया कुछ भी बोले, आपको अपने रूल पे बने रहना है, इमोशन लेस होके ट्रेड करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, SL लगेगा, क्या होगा, ट्रेड का टारगेट हिट होगा। वही है यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर, जब भी आप ट्रेड ले हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ ही ट्रेड करें। फोकस ऑन प्रोसेस ओवर आउटकम, ऑलरेडी डिस्कस्ड। लिमिट एक्सपोजर टू मार्केट नॉइस, इट मींस क्या है कि मार्केट नॉइस मतलब अगर कोई ट्रेड दे रहा है, कोई पुल दे रहा है, कोई टीवी चैनल ये खरीदने को बोल दे रहा है, कोई बोल रहा है कि मार्केट आज 100 पॉइंट भागेगा, कोई बोल रहा है 100 पॉइंट गिरेगा, तो मार्केट मतलब उसके एक्सपोजर या उनसे बचे, उनसे अपने आप को बचाने का कोशिश करें और आपका जो ट्रेडिंग रूल है, ट्रेडिंग प्लान है, उसी पर बने रहें। टेक रेगुलर ब्रेक्स, जो भी आपका ट्रेडिंग है उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग रूल 3 ट्रेड रूल अगर बना रहे हैं तो आप हमेशा बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, ना कि आप अगर 3 का 3 टूट अगर या सक्सेसफुल है तो आप एक ही दिन पे 10 ट्रेड ले लें, तो ट्रेडिंग ब्रेक लेते रहें। रिव्यू एंड एनालाइज योर ट्रेड्स ऑब्जेक्टिविटी, जो जिस ऑब्जेक्टिविटी से आप ट्रेड कर रहे हैं, जो आपका फोकस है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, किस क्या सोच के आप ट्रेड कर रहे हैं, उनके ऊपर रिव्यू करें और उसको एनालाइज करते रहें। नेक्स्ट, सीक सपोर्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। सीक सपोर्ट एंड अकाउंटेबिलिटी कहने का मतलब क्या है कि सराउंड योरसेल्फ विद ए सपोर्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी और मेंटर हु कैन प्रोवाइड फीडबैक, गाइडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। अपने आप को उनके साथ बना के रखें या उनके उनके माहौल में बने रहें, जो आपको बताएं, आपको सिखाएं, उनके साथ आप करें। मान लीजिए कोई अगर ट्रेड लिए हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आप अपने से लीजिए कि नहीं, ये ट्रेड लिया तो मैंने अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग लिया। ये मत बोलिए कि वो मैं किसी से या कोई की मैंने उनसे पूछ के ये ट्रेड लिया था, उनकी वजह से मेरा लॉस हो गया या उनकी वजह से मेरा प्रॉफिट हो गया। आप कोई भी ट्रेड ले तो अपने बेसिस पे ट्रेड ले, अपने आप को पूछ के ट्रेड ले और उसकी जिम्मेवारी खुद एक्सेप्ट करें, आइदर आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो। नेक्स्ट, सेल्फ कंट्रोल। अपने हाउ टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल आफ्टर एस्टेब्लिश क्लियर ट्रेडिंग रूल, यू विल डेवलप सेल्फ कंट्रोल। जब भी आपका कोई ट्रेडिंग रूल क्लियर होगा तो आपका अपने आप पे कंट्रोल बना हुआ रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरा ट्रेडिंग रूल क्या है, मैं इनको इनको फॉलो करूंगा। तो इस तरीके से आपका जो बिहेवियर है, आपका जो इमोशन है, आप पे कंट्रोल रहेगा। सेट रियलिस्टिक गोल, जो गोल आप अचीव कर सकते हैं वही गोल को आप अपने ट्रेडिंग प्लान पे या उसी गोल के लिए आप बने रहे या उसी गोल को रखें जिसको आप अचीव कर सकते हैं। ऑलवेज यूज लिमिट ऑर्डर्स, इंप्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज ऑलरेडी डिस्कस्ड। प्रैक्टिस इमोशन लेस अवेयरनेस, इट मींस क्या होता है कि आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं तो इस तरीके से बना के रखे, इस तरीके से डेवलप करें सेल्फ अवेयरनेस, कि डेवलप सेल्फ अवेयरनेस ऑफ योर इमोशन वाइल ट्रेडिंग, टू लर्न टू रिकॉग्नाइज व्हेन यू आर एक्सपीरियंस फियर ग्रीड। मतलब आप कोई ट्रेड ले रहे हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में मुझे कैसा फील हो रहा है, कहीं डर तो नहीं लग रहा है, कहीं ज्यादा पाने की लालच तो नहीं आ रही है। तो अपने इमोशनल पे इस तरीके का कंट्रोल करने का कोशिश करें, प्रैक्टिस करें कि मैं अपने डर पे कैसे कंट्रोल करूं। नेक्स्ट, टेक रेगुलर ब्रेक्स ऑलरेडी डिस्कस्ड। रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट, जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो उसको आप बार बार रिव्यू करिएगा, उसके बार बार सीखने का कोशिश करिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपका सेल्फ अपने आप पे भरोसा बनेगा। नेक्स्ट, फियरलेस एटीट्यूड। मार्केट में कभी भी आप एंट्री ले रहे हैं तो बेहिचक निडर होके फियरलेस एटीट्यूड से आप एंट्री ले। हाउ टू डेवलप फियरलेस एटीट्यूड, बाई एजुकेशन एंड प्रिपरेशन। जब आप कुछ सीखेंगे, उसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे, अपने ट्रेडिंग प्लान को क्रिएट करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, तभी आप फियरलेस एटीट्यूड को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिस रिस्क मैनेजमेंट, जो भी आपका अगर कैपिटल है तो कितना रिस्क करना चाहिए उस तरीके से मैनेज करके रखें कि मैं इतना का लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूं, इतना का प्रॉफिट मेरे पास बना रहे, प्रॉपर SL लेके मैं ट्रेड करूंगा और प्रॉपर टारगेट लेके ट्रेड करूंगा। एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में अचानक से अगर कुछ हो जाता है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करें। मार्केट अचानक अगर आपके अगेंस्ट चले जा रही है तो उसको एक्सेप्ट करें, ये नहीं कि अगेंस्ट चले कैसे हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस पे ना जाए। नेक्स्ट, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट ऑन आउटकम, ऑलरेडी डिस्कस। विजुअलाइज सक्सेस, इट मीन्स क्या है कि आप जो अपने आप को अगर सक्सेस हुआ तो कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करें, विजुअलाइज करें कि हाँ मैंने इस ट्रेड को लिया था, यहाँ से मुझे सक्सेसफुल ट्रेड मिला, तो कॉन्फिडेंट फील करें। कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, कंट्रोल ऑन योर फिगर फियर, कंट्रोल ऑन योर ग्रीड। नेक्स्ट, डेवलप ए सपोर्टिंग सिस्टम, इस तरीके से अपना एक नेटवर्क बनाएं, अपने फेलो ट्रेडर बनाएं, अपने साथी क्रिएट करें जो आपको हमेशा आइदर आप लॉस करें या प्रॉफिट करें आपको सपोर्ट बना के रखेगा। नेक्स्ट, एम्ब्रेस फेल्योर एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी, इट मीन्स क्या कि अगर आप कहीं कुछ गलत भी कर रहे हैं, कहीं कुछ अगर लॉस भी हो रहा है तो उन लॉस से सीखने का कोशिश करें। ट्रेड विद कन्विक्शन, जब भी आप ट्रेड ले तो अपने कन्विक्शन के साथ, अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करके ट्रेड ले। मेंटेन ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिविटी, आप हमेशा दूर की सोचें, ना कि आज के आज देखें, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के करिएगा, तभी आपका फियरलेस एटीट्यूड डेवलप होगा। नेक्स्ट, फ्रेश है, मेक ए फ्रेश स्टार्ट एवरी डे, इट मीन्स जब भी आप मार्केट पे जाएं अपने पास्ट को भूल जाएं कि मेरे पास पास्ट में क्या हुआ था, उसके बारे में भूल जाएं और हमेशा नई शुरुआत करें। हाउ टू डेवलप दिस, रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट योर ट्रेड्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ऑलरेडी डिस्कस्ड। प्रैक्टिस सेल्फ कंपेसनेस, सेट डेली गोल्स, आप डेली के गोल्स को फिक्स करके रखें कि आज मेरा इतना का इतना गोल्स है, मैं यहाँ तक ऐसे ऐसे ट्रेड लूंगा, यहाँ तक मैं ट्रेड लूंगा, यहाँ मेरा टारगेट हो जाएगा तो यहीं पे करूंगा। स्टे ऑन प्रेजेंट नॉट इन पास्ट एंड फ्यूचर, पहले क्या हुआ उसको भूल जाइए, कल क्या होगा उसको भूल जाइए, आज क्या हो रहा है उस पर फोकस करिए, उस पर बने रहें। विजुअलाइज्ड सक्सेस ऑलरेडी डिस्कस। इम्प्लीमेंट ए प्री ट्रेडिंग रूटीन, इट मीन्स क्या है कि अगर आप कुछ ट्रेड लेने जा रहे हैं तो ट्रेड लेने से पहले एक सुबह सुबह अपना एक रूटीन क्रिएट कर ले कि हमको ये चीज करना है, उसके बाद ही मैं ट्रेड में करूंगा। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, इट मीन्स क्या है कि अपने आप को इस तरीके से बना के रखे, इस तरीके का करके रखे कि मैं अपने ट्रेड को प्रैक्टिस करूं और उसी पे बना रहूं। स्टे फ्लेक्सिबल, अगर कहीं कोई चेंजेस का रिक्वायरमेंट हो तो आप फ्लेक्सिबली उसको चेंज कर सके। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, इट मीन्स क्या कि अगर आपका स्मॉल टारगेट या जो भी आपका टारगेट हीरो है तो अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहें, तरीके से उसको भी फील करने का कोशिश करें। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट, अपनी जो रिस्क है उसको मैनेज करें। ऑलवेज यूज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आइदर 1:2 और 1:3, जो भी आपका है उसके ऊपर बने रहें कि मैं लॉस लूंगा तो यहीं तक लूंगा, प्रॉफिट लूंगा तो यहीं तक लूंगा। नेक्स्ट, यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑलवेज, हमेशा जब भी एंट्री ले तो स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ ही एंट्री ले कि मेरा इस पॉइंट पे जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करूंगा। पोजिशन साइजिंग ऑलरेडी डिस्कस कि आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग अपना पोजिशन रखे। डाइवर्सिफाई और पोर्टफोलियो ऑलरेडी डिस्कस की आपके पास जो भी कैपिटल है उसको अलग अलग तरीके से आप बंटवारा कर ले कि मैं कितने कितने प्रॉफिट को कितने कितने उसके रेशियो को ट्रेड करूंगा। मैनेज लीवरेज, इट मीन्स अगर जो भी आपके पास कैपिटल है उसको कितने तरीके से बांट सकता हूँ, अपने लीवरेज को मैनेज करके रखें। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करें। स्टे इन्फो, हमेशा जो भी नॉलेज है उसके बारे में सीखते रहें। सिमुलेट ट्रेड्स, इट मीन्स क्या है कि हमेशा बैक टेस्ट करते रहें। रिव्यू एंड लर्न, हमेशा पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते रहे। नेक्स्ट, मनी मैनेजमेंट, ऑलरेडी सर ने बता मतलब इसके बारे में बता चुके कि आपके पास अगर कैपिटल है तो उसको 3 ट्रेड रूल के अकॉर्डिंग उसको बना के रखे। अपने जो भी सेट रिस्क पर ट्रेड, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग उसके रिस्क को कैलकुलेट करके रखे। कैलकुलेट योर पोजिशन साइज, अपने पोजिशन साइज को मेंटेन करके रखे। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, यूज लीवरेज वाइजली, अगर आपके पास 1 लाख है उसको अगर आप 10 भाग में बांट रहे हैं तो 10,000 के अकॉर्डिंग आपका है तो उसको वाइजली यूज करें। प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर कुछ प्रॉफिट आ रहा है दिन का तो अपने प्रॉफिट को हमेशा थोड़ा थोड़ा निकालते रहें, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करके रखें। नेक्स्ट, री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स वाइजली, अगर आपके पास कुछ प्रॉफिट है तो उसको दोबारा अपने हिसाब से या उस तरीके से यूज करें जो आपके और भी प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको सोच समझ के ही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करें। रिव्यू एंड एडजस्ट, अगर आपके पास कुछ ट्रेडिंग प्लान है तो उसको रेगुलर रिव्यू करें और उसमें अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स है चेंजेस की तो एडजस्ट करें। नेक्स्ट, स्टे डिसिप्लिन, जो आपके ट्रेडिंग रूल्स हैं उसके ऊपर डिसिप्लिन होके फॉलो करें। नेक्स्ट, डू नॉट बी ग्रीडी, लालची नहीं बने, लालची नहीं बने। अब कैसे हम अपने आप को डेवलप करें कि अपने लालच पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो लालच पे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेट रियलिस्टिक गोल, जो गोल को हम अचीव कर सकते हैं वही गोल को हम बना के रखें।
फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट जो भी हमारे पास है हम उसी, अगर थ्री ट्रेड रूल है तो थ्री ट्रेड रूल को ही हम फॉलो करें। स्टिक ऑन योर ट्रेडिंग प्लान, अगर एओसी को फॉलो कर रहे हैं तो एओसी पे ही बने रहें। प्रैक्टिस विथ एंड पेशेंस, हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे और धैर्य रखे, अपने आप पे पेशेंस रखे कि अगर एक दिन भी लॉस हुआ है, दो दिन भी लॉस हुआ है, तो ट्रेडिंग प्लान को चेंज ना करें। इन फ्यूचर आपको, अगर आप ट्रेडिंग प्लान पे बने रहेंगे, 1:3 अगर आपके पास रिस्क रिवॉर्ड बना रहेगा, तो आसानी से आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ऑलवेज स्टॉप लॉस ऑर्डर, ऑलरेडी डिस्कस्ड, टेक प्रॉफिट स्ट्रेटेजिकली। जो भी आपके पास अगर स्ट्रेटेजी है, मतलब आपका एंट्री और एग्जिट या एंट्री और टारगेट पॉइंट फिक्स है, तो उसी हिसाब से अपना टारगेट को आप एक्सेप्ट करें। ये नहीं कि मेरे टारगेट ऊपर से चला जाए तो आप टारगेट को इंक्रीज कर दें। आपका जो टारगेट है स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, जो टारगेट है वहीं पे आपका प्रॉफिट को बुक करें। अवॉइड ओवर लीवरेज, इट मींस क्या है कि अगर आपको कहीं लीवरेज प्रोवाइड किया जा रहा है, या आपके पास अगर कुछ कैपिटल लिमिटेड है, तो ऐसा नहीं कि पूरा कैपिटल को एक ही बार यूज कर दे। उस कैपिटल को लीवरेज के अकॉर्डिंग उसको बंटवारा कर दे, रेशियो में बांट दे, उसके ऊपर फिर यूज करें। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ऑलरेडी डिस्कस कि अपने आप को, जो भी अगर आपके पास कुछ ट्रेडिंग प्लान है उसको रेगुलर प्रैक्टिस करें। स्टे हम्बल, घमंड ना करें, हमेशा अपने आप को हम्बल रखें। कोई अगर कुछ पूछे, किसी को अगर कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम हो, तो उसके साथ भी उनको भी बताएं, उनको भी सिखाएं। नेक्स्ट, रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। इट मींस क्या है कि अगर आप, जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान है उसको डेली रिव्यू करें, बैक टेस्टिंग करें, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करें, और उसको देखें, सोचें, समझें कि अगर कुछ उसमें सीखने का, कहीं कुछ मिस्टेक्स है तो उनको इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करें। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। लास्ट, योर थॉट्स एंड सजेशंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू, थैंक यू। दिया आपने, बहुत बढ़िया किया। थैंक यू, थैंक यू कम सर, थैंक यू। पीपीटी देना दे देना ये वाली ठाकुर ठीक है, मिल जाएगा। सभी लोग ना अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने एक लिख दो, लाइफ में लॉसेस नहीं होते हैं, लेसन्स होते हैं। हर एक लॉस आपको एक लेसन सिखाना चाहिए उसने। किन्हीं को अगर किसी टॉपिक पे, या अगर कुछ वैसा, अगर कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी के रिगार्डिंग मिस्टेक्स तो यही करते हैं ना, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये सारी सभी लोग करते हैं, तो इसको बार बार देख रहे। यार ये पता क्या, पीपीटी है ना, इसको रोज ना डेली एक बार देखना। सुबह जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, इस पीपीटी को पढ़ लिया तो हिंदी में पढ़ा दो ना जी, जाएगा जी, बहुत फर्क पड़ जाएगा जी सर। मैंने जी इसको हिंदी में कर सकते हैं, काट कन्वर्ट हो जाएगा सर, कर देना यार हमारे लिए, हम हो लोग जाएगा। कच्चे हैं इंग्लिश में। ठीक है सर, आज सर एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराया करो ना, एक महीने में। हाँ वो भी चलेगा। भाई साहब आपको थोड़ी आती है मेरे से अच्छी, इसलिए आप बोल रहे हैं, मेरी उड़ा रहे हैं। मजाक कर रहे हैं सर। कमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आपने बहुत अच्छी तरह जब समझाया। और हाँ बाकी ये बात है कि हमें अभी ये सब कुछ अपने मन में दिमाग में बिठाना है, और उसके लिए हमें थोड़ा समय भी लगेगा, और जब कहीं शंका आएगी तो हम आपको कष्ट भी देंगे और आपसे सहायता। यहाँ पे लिखा हुआ है सर, किसी भी डेवलप मतलब हैबिट को बनाने के लिए आपको 31 दिन, 21 दिन लगेंगे, और उसको छोड़ने के लिए 90 दिन लगेंगे। तो सर 90 दिन बहुत लंबे होते हैं, लेकिन हम उससे पहले ही आपसे कोशिश करेंगे कि इसको सीख लें। नहीं नहीं रजिंदर जी, पता कि एनु रोज अस पीपीटी नु देख ले आना, बस मतलब एक बारी रीड करना, रट्टा नहीं मारना, बड़ा फर्क पै जाएगा। सबसे आसान तरीका सर जी, आप जो गलती करो ना उसको रिविजिट करो। इसमें ट्रेडिंग ब्रेक खत्म हो गया, आप जाओ इस पीपीटी में देखो आपने क्या क्या गलतियां करी, इसमें फाइंड करो क्या हुआ था। ठीक है सर, धन्यवाद जी। वो हिंदी फिल्मों में पुराने हीरो होते थे ना, वो फोटो लगाते थे कैलेंडर पे, इसको मारना इसको मारना, कांटा मार देते थे उसके ऊपर, क्रॉस लगा देते थे, इसको मार दिया ऐसे करके। सर मिथुन था, बैड हैबिट पे क्रॉस लगाना है। मिथुन तो ऐसे तलवार से काटता था। जी बहुत अच्छा प्रोग्राम था जी, और बहुत अच्छे ढंग से समझाया आपके लिए। तालियां तो बनती हैं सर, सभी हम आपके लिए सैल्यूट करते हैं जो तालियां बजाते हैं आपके लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कल बैंक एक्स करना है टेस्टिंग। सर शेयरिंग स्टॉप कर दूं? ठीक है सर जी, अब जनरल डिस्कशन करते हैं, कैसा लगा आज का, आजकल का सेशन?